press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस न्यूज के एक नए एपिसोड में। आज की वीडियो एक व्यूअर चॉइस वीडियो है। हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर सिद्धार्थ राय जी ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो आज हम असॉल्ट राइफल के बारे में बात करेंगे जिनको हमारी आर्म फोर्सेस यूज करती है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसास राइफल की बात करते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस की स्टैंडर्ड राइफल है। ये राइफल इंडियन ऑरिजिन से है और इसको हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। 1998 से इसका इस्तेमाल इंडियन आर्म फोर्सेस कर रही है। इंसास राइफल का वजन 4.15 kg है और इसका लेंथ 37.8 इंच है और बैरल 18.3 इंच की होती है। ये गैस ऑपरेटेड बोल्ट एक्शन राइफल है जिसमें 5.56x45mm के राउंड्स फायर किए जाती हैं। इसका मजल वेलोसिटी 900 मीटर पर सेकंड की होती है और ये 600 से 650 राउंड एक मिनट में फायर कर सकती है। इसमें 20 और 30 राउंड के मैगजीन्स लगते हैं। इंसास राइफल का इफेक्टिव रेंज होता है 400 मीटर की और इसकी एलएमजी वेरिएंट की 600 से 700 मीटर तक हो सकती है। कारगिल वार के दौरान इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। पहले के मॉडल्स में ये वुडन फिनिश होते हैं, लेकिन अब के इंसास की एयर मॉडल्स में ब्लैक फोनीवर फिनिश देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं IWI टैबोर की। इसे मेनली हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है। ये राइफल इसराइल ओरिजिन से है। इसको 1995 से 2003 के बीच इसराइल मिलिट्री इंडस्ट्री ने डिजाइन किया था। इसके बाद इसे इसराइल वेपन इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और अभी इसे लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी मैन्युफैक्चर कर रही है। टैबोर की मेनली दो वेरियंट है, TAR-21 और CTAR-21। ये एक बल्क ऑफ असॉल्ट राइफल है जिसमें सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक मोड है। TAR-21 का वजन 3.27 kg और CTAR-21 का वजन 3.18 kg है। TAR-21 की लेंथ 28.3 इंच और बैरल लेंथ 18.1 इंच की होती है, जहां पर CTAR-21 की लेंथ 25.2 इंच और बैरल लेंथ 15 इंच की होती है। ये एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट एक्शन राइफल है जिनमें 5.56x45mm 5.56x30mm के राउंड्स को फायर किया जाता है। TAR-21 की मजल वेलोसिटी है 910 मीटर पर सेकंड और CTAR-21 की मजल वेलोसिटी 890 मीटर पर सेकंड होती है। इनकी इफेक्टिव रेंज 550 मीटर की होती है और इनमें 30 राउंड वाले मैगजीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे बात करते हैं AKM की। AKM AK-47 का एक मॉडर्नाइज वर्सन है। इसको 1959 में पहली बार सोवियत यूनियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको डिजाइन किया है मिखाली कालाश्निकोव ने। AKM पूरी दुनिया में एक पॉपुलर राइफल है। इसे कई सारे देश इस्तेमाल करते हैं। इंडिया की बात करें तो AKM को हमारी आर्मी, पारा कमांडोज, गरुड़, घातक, BSF और NSG कमांडोज यूज करती हैं। अभी तक इसकी 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। AKM की वेट 3.1 kg है। इसकी लेंथ 34.6 इंच और बैरल लेंथ 16.3 इंच की है। ये एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट एक्शन राइफल है जो कि 7x62x39mm की राउंड्स को फायर करती है। इसका मजल वेलोसिटी है 715 मीटर पर सेकंड और ये एक मिनट में 600 राउंड तक फायर कर सकती है। इसकी इफेक्टिव रेंज 350 मीटर की होती है और इसमें 10, 20, 30 और 40 राउंड वाले बॉक्स मैगजीन और 75 राउंड वाले ड्रम मैगजीन भी लगाए जा सकते हैं। AK सीरीज की एक और राइफल भी हमारी आर्म फोर्सेस यूज करती है। इसका नाम है AK-103। इसको भी डिजाइन किया है मिखाली कालाश्निकोव ने और AK-74M से डिराइव किया गया है। अभी तक इसकी 260,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। इसका और एक वर्सन भी है जिसे AK-104 कहा जाता है। इसका वजन 3.4 kg है। इसकी लेंथ 37.1 इंच और बैरल लेंथ 16.3 इंच है। ये भी एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट एक्शन राइफल है जिसमें 7x62x39mm के राउंड्स को फायर की जाती है। ये एक मिनट में 600 राउंड्स को फायर कर सकती है और इसका मजल वेलोसिटी 715 मीटर पर सेकंड है। इसका इफेक्टिव रेंज 500 मीटर तक है जो कि AKM से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें 30 राउंड वाले मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसे हमारी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, मार्कोस, गरुड़, घातक और NSG कमांडोज यूज़ करती है। अब M16 की बात करते हैं। AK की तरह ये भी एक बहुत ही पॉपुलर राइफल है। अभी तक इसके 8 मिलियन से भी ज़्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। इसको 1956 में यूजीन स्टोनर और जेम्स सुलिवन ने डिज़ाइन किया था। US ऑर्डिनेंस के अलावा भी इसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं।
1964 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया और तब से आज तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका वजन 2.89 केजी है। इसका लेंथ 39.5 इंच और इसकी बैरल लेंथ 20 इंच का है। यह भी एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट एक्शन राइफल है जिसमें 5.56 इंटू 45 mm के राउंड्स को फायर की जाती है। यह एक मिनट में 700 से लेकर 950 राउंड तक फायर कर सकती है। इसका मजल वेलोसिटी 960 मीटर पर सेकेंड है और इसका इफेक्टिव रेंज 550 से लेकर 800 मीटर तक हो सकती है। इसमें 20 और 30 राउंड के बॉक्स मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस राइफल को हमारे स्पेशल फोर्स जैसे कि एनएसजी और पारा कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 पे आती है M4 कार्बाइन। ये M16 राइफल का एक शॉर्टर और लाइटर वेरिएंट है। पहली बार इसे 1994 में इस्तेमाल किया गया। इसका वेट 2.9 केजी है और इसका लेंथ 33 इंच का है और इसकी बैरल लेंथ 14.5 इंच का है। इसकी बाकी सारे फीचर्स M16 के बराबर की है लेकिन इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 500 मीटर की है जो कि M16 से थोड़ी कम है। इसको भी हमारे स्पेशल फोर्स जैसे कि एनएसजी और पारा कमांडोज यूज करती है। इन सब को छोड़ के हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक्सकैलिबर और मल्टी कैलिबर राइफल को डेवलप कर रही है। आगे चल के ये दोनों राइफल्स हमारी आर्म फोर्सेस की स्टैंडर्ड राइफल्स बन सकती है। मल्टी कैलिबर राइफल ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और अभी इसका ट्रायल्स चल रहा है और बहुत ही जल्द ये इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आर्म फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले राइफल्स। अगर आप भी किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।